सूरत में कपड़ा मार्केट में एजेंट के मार्फत कपड़ा खरीद कर रुपए ना चुकाकर ठगी करने की घटनाएं आए दिन होती हैं। ऐसे भी ठग बाहर मंडी में हैं जो पुरानी उधारी चुकाए बेखौफ होकर नए एजेंट के माध्यम से अन्य व्यापारियों से फिर से नई खरीदी कर सूरत के व्यापारी व एजेंट को फंसाने का काम धड़ल्ले से कर रहे हैं। रिंग रोड पीटीएम मार्केट के व्यापारी से 11.16 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एजेंट समेत दिल्ली के पिता व पुत्र के खिलाफ सलाबतपुरा थाने में मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली से नई खरीदी करने आए व्यापारी को सलाबतपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दो पुत्र व एजेंट की पुलिस तलाश कर रही है। सलाबतपुरा पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मगोब दर्शन रेसिडेंसी निवासी चंपालाल कस्तूरचंद राठी पीटीएम मार्केट में करनी टेक्सटाइल के नाम से कपड़े का व्यापार करते हैं। 3 साल पहले चंपालाल ने कपड़ा एजेंट बसंत गोपालचंद करवा दिल्ली के व्यापारी रामदास यादराम नायक को उनकी दुकान पर लाए थे। बसंत ने बताया कि रामदास को उधारी में प्लेन कपड़ा भेजोगे तो आपको 30 दिन में पेमेंट भेज देंगे। पेमेंट की पूरी जवाबदारी बसंत करवा की रही। शुरू में पेमेंट समय पर भेजते के खरीदी करते रहे। रामदास के दो पुत्र सुशील भाई व राज भाई ने रूबरू सूरत आकर 11,16,000 रुपए का कपड़ा उधार मंगवाया था, जिसकी भुगतान की एवज में चेक दिए गए थे जो बैंक से रिटर्न करवा दिए। पेमेंट का तकादा करने पर एजेंट ने जल्दी पेमेंट का आश्वासन दिया था। उसके बाद दिल्ली के व्यापारी पिता पुत्रों ने फोन उठाना बंद कर दिया व एजेंट ने अपना मोबाइल नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। अपना बकाया पेमेंट लेने चंपालाल जब दिल्ली पिता पुत्रों की दुकान पर गए तो पिता व पुत्रों ने पेमेंट देने से इनकार कर धमकी दी कि आगे से दुकान पर आना मत वरना जान से मार देंगे। ठगी का भोग बने चंपालाल राठी ने अंत में एजेंट समेत पिता पुत्रों के खिलाफ सलाबतपुरा पुलिस थाने में धोखाधड़ी व जान से मारने की धमकी का मामला सलाबतपुरा पुलिस थाने में दर्ज करवाया है। पुलिस ने गुरुवार को रामदास को सूरत से गिरफ्तार कर लिया है।